वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर टू पर पूछे गए क्वेश्चन बैंक में वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका क्या सॉल्यूशन है या किस तरह से उसके जवाब लिखना चाहिए उसके बारे में हम मालूम हासिल करेंगे तो इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स आला और अदना हैवानात में तौलीद। एक मास के लिए जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं जो हमारी इस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं ये सेक्शन ए का ही हिस्सा है जिसमें एक जुमले में जवाब लिखिए इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर एट है इस्रोटम का काम लिखिए एक मास के लिए एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है इस्क्रोटम क्या है तो उसका तारीफ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस्क्रोटम एक थैली नुमा बनावट होती है जो फ़ोतो को शिकमी कैफे के बाहर रखती है अब ये जो इस्क्रोटम है इसकी डिटेल है ज़्यादा लेकिन हमको सिर्फ एक मास के लिए पूछा गया कि इस्क्रोटम का काम लिखिए तो इस्क्रोटम का काम यही है कि ये फोतो को हमारे जिस्म में जिस्म के शिकमी कैफे के बाहर रखती है जो दर्ज हरारत मेंटेन करने में जिससे हमें फ़ायदा होता है और वहाँ पर फ़ोतों में मनवे खीजी का अमल यानी मनवे तैयार होने का अमल आसानी से हो सकता है तो ये एक मास के लिए इतना जवाब सफ़ीशेंट माना जाएगा दूसरा है यानी क्वेश्चन नंबर नाइन ओ का काम लिखिए जवाब ओविडक्ट बैजा नली का चारी नुमा हिस्सा बैजादान से बैजा हासिल करता है पहला काम क्या है ओविडक्ट क्या है तो ये Oviduct जो है ये बैजा नली का चारी नुमा हिस्सा बैजादान से बैजा हासिल करता है मतलब जो चाड़ी नुमा बनावट होती है उसकी तो उस हिस्से से जिसे ओविडक्ट कहा जाता है उस हिस्से से एक सेल हासिल किया जाता है यहां पर ह्यूमन के अंदर जिसे ओम कहा जाता है तो एग हासिल किया जाता है जिसे बैजा कहते हैं उर्दू में दूसरा फ़ाल है इसका या दूसरा काम है बैजे को बैजा नली के ज़रिए रहम में दाखिल किया जाता है तो ये दो अहम काम हैं इसके अलावा भी लेकिन एक मास के लिए यहाँ पर सिर्फ जो हमको पूछा गया हमको सिर्फ उतना ही लिखना है क्वेश्चन नंबर टेन बार्थोलिन गैंड का मुकाम लिखिए बार्थोलिन ग्लैंड का मुकाम उसका जवाब है एक जोड़ी गुदूद वजाइना के सुराख के दोनों जानिब लेबिया माइनोरा के पीछे होते हैं तो ये एक लाइन में उसका मुकाम बताया गया है उसके बाद क्वेश्चन नंबर एलेवन मरहले का नाम लिखिए जब बैजादान से बैजे का अखराज होता है यानी कि हमको उस मरहले का नाम लिखना है जिसके अंदर बैजादान से यानी ओवरी से बैजे का मतलब एग का अखराज होता है या खारिज होता है वो तो उस मरहले का नाम है ओलेट्री फेज जिसे बैजे के अखराज का मरहला कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या मुराद है स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म मतलब स्पर्म तैयार करने का अमल तारीफ़ किस तरह से लिखेंगे समझिए जवाब है इंसान के फोटो में दुगना तोलीदी खलिया से यक गुना मनवे बनने का अमल मनवा खिजी यानी इस पर मेटोजेनेसिस कहलाता है उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन सिन गैमी की तारीफ़ लिखिए तो सिन गैमी बहुत आसान तारीफ़ है इसकी जिनसी तोलीत के दौरान नर और मादा जवाजों का तैयार होकर मिलाप होना सिन गैमी कहलाता है अब इसी तरह का अमल या यही अमल फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब जिसके अंदर नर और मादा जवाजे यानी मेल और फीमेल गैमिट आपस में जुड़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोरटीन इम्प्लानशन किसे कहते हैं इम्प्लांटेशन किसे कहा जाता है उसकी ताल्लुक़ से जवाब है ब्लास्टोसाइट्स का रहम की दीवार में जुड़ने का अमल इसका जवाब इस तरह से है कि ब्लास्टोसाइट्स का रहम की दीवार में जुड़ने का अमल इम्प्लांटेशन कहलाता है ये इतनी तारीफ होगी उसकी ये बारहवरी के बाद सातवें दिन से शुरू होता है जनीन रहम के फोंडोस की एंडोमेट्रियम में जुड़ता है इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर इम्प्लांटेशन कहलाता है जहाँ पर ये तारीफ मुकम्मल हुई या फिर आप इतना मुकम्मल भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बैरूनी इखराजी तरीका विथ ड्रॉल किसे कहते हैं तो इसका जवाब रहेगा, इस तरीके में मुबाशरत के दौरान मेल पार्टनर उजुअ तनासल को वजाइना से इंजाल के पहले बाहर निकाल लेता है ताकि मनवी सयाल अंदर दाखिल ना हो यह अमल विथड्रॉल मेथड कहलाता है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एमनियोसेंटेसिस की तारीफ लिखिए अब एमनियोसेंटेसिस एक अमल है जिसके अंदर गैस्ट्रोला में जनिनी तश्त यानी कि एम्ब्रियोनिक डिस्क और ट्रोपोब्लास्ट के दरमियान कैफे को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं इसमें सयाल भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं एमनियोटिक फ्लूड में जनिनी खलियात होते हैं ये खलियात के जरिए पैदाइश से कबल फोटस की जांच को एमियोसेंटिस कहते हैं इस जांच के ज़रिए फोटस में क्रोमोजोमल नुक्स का पता लगाया जा सकता है देखिए यहाँ पर ये तीन लाइन के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है लेकिन ये रिलेटेड इसकी मालूम आपको होना चाहिए इसलिए आपको डिटेल में बताया गया अगर एक मास के लिए सवाल आता है तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि पैदाइश से कबल यहाँ से आप लिख सकते हैं पैदाइश से कबल फोयटस की जांच को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं इस जांच के जरिए फोयटस में क्रोमोजोमल नुक्स का पता लगाया जा सकता है इतना जवाब भी काफ़ी होगा उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एडॉप्शन से क्या मुराद है एडॉप्शन के मानी होते हैं गोद लेना अब गोद लेना किसे कहा जाता है तो गोद लेना एक कानूनी तरीक़ा है जिसके ज़रिए वालदान को कानूनी तौर पर हक हासिल होता है कि वो किसी दूसरे शख्स का बच्चा तमाम जिम्मेदारियों के साथ उसकी परवरिश के लिए कबूल करे गोद लेने वाले वालदान तबी तौर पर सेहतमंद रहें और उस बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल हो जो शख़्स गोद लेना चाहता है उसकी उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए तो चलिए यहां पर इस चैप्टर के ऊपर जितने भी सवालत पूछे गए थे इस क्वेश्चन बैक में हमने मुकम्मल कर लिए हैं।